हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और ये देखिए, आज ये समय है शाम का 6:30 बज रहे हैं। इस समय अंधेरा होने लगा है और आज है हमारा व्रत नवरात्रों का। तो आज हमारी नवमी होती ना, तो आज आठे का व्रत है। तो ये बन रही है सब्जी, लौकी बन रही है और इधर मेरे भगवान जी की हो गई है पूजा, देवी माता की पूजा हो गई है। तो ये देखिए, पूजा के आले में जला दिया है मैंने लाइट को, तो ये दिया जल रहा है, इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा। तो ये पूजा करके चुक गई हूँ मैं, अभी कोई है नहीं घर में, अभी मैं अकेली हूँ। शिवांगी ऊपर अपना काम करने गई हुई है और मन्नू जो है, मन्नू गया हुआ आज फैक्ट्री, वो ज़बरदस्ती फैक्ट्री चला गया ना, माना ही नहीं, जिद की उसने और फैक्ट्री चला गया। तो फैक्ट्री से आएगा भी 10-15 मिनट और है, 7:45 तक आएंगे ये लोग। उसके बाद ही फिर ये लोग पूजा करेंगे और फिर खाना पीना खाएंगे, क्योंकि व्रत होता है तो देखिए कोटू खाया जाता है। तो कोटू के बनाएंगे पकौड़ियाँ या पूड़ियाँ, जो भी ये लोग खाएंगे। सब्जी तो बना दी है, पूड़ी बनाएंगे उससे। ये चाय बनाने के लिए देखिए बन गया, 2 चम्मच लिया है मैंने खटाई को और 2 चम्मच लिया मैंने चना मसाला, 2 चम्मच मैंने देखिए ये दिखाया आपको चाट मसाला भी लिया है। और ये सब मैं इसमें डालूँगी, नमक तो डाल दिया है मैंने। और ये वाले चने बनाऊँगी जो काले करके बनाऊँगी, साथ में डाल लूँगी लाल मिर्च, जरा सी रंग वाली मिर्च, सौंफ, धनिया। और उसके बाद ये बनकर तैयार हो जाएंगे। आज इसमें हल्दी नहीं ऐड करेंगे, बिना हल्दी के बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनते हैं, आप लोगों को दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और ये आप लोग देख रहे हैं, आज है नवमी, तो नवमी का बना रहे हैं खाना। तो ये बनाने रख दिया है हलवा, ठीक है, ये हलवा बन रहा है। चाशनी में डाल दी है सूजी और ये बन रहे हैं चने। तो चना को छोंक रहे हैं, बना रहे हैं, और बाकी सामान फैला हुआ है इस समय। और इस समय बज रहे हैं सवेरे के 6:30, हल्की हल्की धूप निकलने लगी है, मौसम आज सही लग रहा है। देना शुरू करो, टीका करो तुम सबके, ठीक है। सन्नी, तुमने अपना कोटेशन सबको लेटे दियो।
तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।